ये कैसा ख्वाब है? बाप रे, मुझे ऐसा ख्वाब क्यों दिखाई दिया? इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है? बेगम, ओ बेगम, बेगम, हाँ, क्या, क्या हुआ? बेगम, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। कैसी परेशानी? सुनो, मुझे एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया। ख्वाब ही देखा ना, और कुछ तो नहीं हुआ है ना? ऐसा नहीं, पर टूट गए। क्या? बेगम, मेरे दांत टूट गए। हाँ? हाँ? दांत टूट गए? देखो तो। अरे सचमुच नहीं टूटे, ख्वाब में। ख्वाब में टूट गए ना, तो टूटने दीजिए और अब मुझे सोने दीजिए। अरे पर सुनो तो सही। ओह, मुझे सोने दीजिए ना, नहीं तो आपके ख्वाब को मैं हकीकत में पलट दूंगी। हाँ? अपने इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है? इसके बारे में सोचते हुए रात भर अकबर सो नहीं पाए। सुबह होते ही उसने महल में अपने सेवक से कहा, अभी इसी वक्त जाओ, शहर में मिले वो सारे ज्योतिषी को ले आओ, मुझे बहुत ही जरूरी काम है उनका। बादशाह सलामत, मैं बीरबल जी को भी बुला कर लाऊं क्या? पहले मैंने बताया वो काम जल्दी खत्म करो, और चीजें बाद में देखेंगे। जैसा आपका हुक्म। सेवक शहर में जाकर दो ज्योतिषियों को ढूंढ निकालता है और बादशाह के सामने हाजिर करता है। बादशाह सलामत, अपने शहर में ये दो ही ज्योतिषी मिले हैं। ठीक है, फरमाइए राजेश्वर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी, कल मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। अजीब सा? यानी गुरु का चक्कर। कौन गुरु? यहाँ का कोई गुरु नहीं, वो वहाँ अर्थात आकाश का गुरु, शुक्र शनि वगैरह का चक्कर। पहले हम बादशाह के मन की बात सुन ले क्या? बताइए बताइए राजेश्वर। उस ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे एक दांत के सिवा सारे दांत टूट गए हैं, इसी कारण मैं बहुत ही बेचैन हो गया। बेचैन हो गए अर्थात चंद्र का उद्योग। वो जो भी हो, आप मुझे इस ख्वाब का मतलब समझाइए। कौन, आप बताएंगे शुक्राचार्य जी या मैं ही बता दूं? अब आपकी इच्छा हो तो आप ही बताइए बताइए। एक दांत छोड़कर बाकी सारे गिर गए। महाराज। क्या? नहीं, आपको ये ख्वाब जागृत अवस्था में दिखाई दिया या नींद में? अरे वो ख्वाब है बुधाचार्य जी, वो नींद में ही दिखाई देगा। ऐसी बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ राजाओं ने जागृत अवस्था में स्वप्न देखे थे, ऐसा इतिहास में पढ़ा था, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है ठीक है, बताइए इसका क्या मतलब है जल्दी। जी जी, एक दांत छोड़कर बाकी सारे गिर गए अर्थात रवि वक्रीय, शनि चक्रीय और राहु सक्रीय। अशुभ। क्या? महाअशुभ। शिव 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 शिव। अजी, आपके सारे रिश्तेदारों की आपसे पहले मृत्यु हो जाएगी और आपको अकेले ही रहने का समय आएगा। इसका इसका कोई इलाज नहीं है जहाँ अपना, पंडित जी। इसलिए आए जो सामने उसका करें स्वीकार। बुर्ख, मेरे राज्य में रहते हो और मेरे बारे में ही बुरा सोचते हो, यही पढ़े हो क्या तुम? ठहरो, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बादशाह, सेवको, इसे कोड़े की मार मारते हुए राज्य से बाहर निकाल दो। जी महाराज, चलिए पंडित जी, आए जो सामने उसका करें स्वीकार। ये लो। देखिए शुक्राचार्य जी, देखिए,
आपका पंचांग खोल कर देखिए और बताइए कि आपको इस ख्वाब का मतलब क्या लगता है। बादशाह सलामत, मैं गलती से कोई दूसरा ही पंचांग ले आया हूँ। मैं अभी इसी वक्त घर जाता हूँ और सही पंचांग लेकर आता हूँ और फिर आपको चाहिए वो मतलब बताता हूँ। ठीक है ठीक है, तुरंत वापस आना। शुक्राचार्य जी महल से निकल कर सीधे ही बिरबल के घर पहुँचे, क्योंकि बादशाह के सवाल का जवाब देने की बुद्धि सिर्फ बिरबल के पास ही थी। शुक्राचार्य जी ने सारी बात बिरबल को बताई और उन्होंने कहा, बिरबल जी, बुधाचार्य जी ने बादशाह को जो अर्थ बताया है वो ही सही अर्थ है, और झूठा अर्थ नहीं बताना, ऐसी हमारी गुरु की शिक्षा है। अब मैं क्या करूं? सच बोले तो भी मुसीबत और झूठ बोलो तो भी मुसीबत। शिव 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 शिव। चिंता का कोई कारण नहीं है शुक्राचार्य जी, जैसा मैं बताता हूँ मात्र वैसा ही भविष्य आप बादशाह को बताइए। शुक्राचार्य जी जब महल में पहुंचे तब बादशाह को चिंता हो रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों शुक्राचार्य जी, ले आए वो पंचांग? अब कुछ ही देर में मैं बताता हूँ। एक दांत छोड़कर बाकी सभी दांत टूट गए, अर्थात प्रभु का उपकार, शनि का चमत्कार और राहु का साक्षात्कार। जहांपना, क्या हुआ? भाई क्या सपना देखा है आपने? वाह क्या अजी, ऐसा सपना देखने के लिए नसीब चाहिए महाराज, नसीब। क्या बात कर रहे हैं आप? अजी लाखों में एक है आप। पर हुआ क्या है? क्या हुआ? जहाँ अपना, आपके सारे रिश्तेदारों में से आप सबसे ज्यादा जीने वाले हैं, और कुछ ही दिनों में आपको आपके किसी भी रिश्तेदार की ओर से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। शुक्राचार्य जी, कितने विद्वान हैं आप? सब उनकी कृपा है जहाँ अपना। सेवक, इनको इसी वक्त मोतियों की दो मालाएं और 200 मोहरे दे दी जाएं।